मैं हूँ विनीश मलिक और आप देख रहे हैं बिनास ब्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी ईद कैसे गुजरी? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने ईद वाले दिन क्या किया, आप लोग कहाँ गए, सब शेयर कीजिएगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज मैं भी आपसे शेयर करूँगी कि मेरा ईद का फर्स्ट डे कैसे गुजरा। कुकिंग वगैरह करने के बाद शाम को हम लोग आउटिंग पे गए। उस दिन बारिश थी, आप देखें ये रास्तों पे किस तरह से पानी है, और आप मौसम चेक करें, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा मौसम हो गया था बारिश के बाद। तो बच्चों ने कहा कि हम लोगों ने आउटिंग पे जाना है, तो आज हम जा रहे हैं चमनज़ार अस्करी झील की तरफ। ये हमारे घर से काफ़ी दूर है, कैंट एरिया में है, तो ये अब हम कैंट एरिया क्रॉस कर रहे हैं। अगर आप लोग कभी मुल्तान आए तो आप लोग इस झील पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बहुत ही आपको मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे। आप देखें ये खूबसूरत सी प्लेस है और ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और इंजॉय करके भी बहुत ही मज़ा आता है। ये हम आर्मी का एरिया क्रॉस कर रहे हैं, ये सदर कैंट है और यहाँ पे आप देखें ये जगह जगह आर्मी के हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ और ये टैंक वगैरह पड़े हैं और जो इस जगह को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू था बारिश के बाद, हर चीज़ क्लियर, ये दरख्त साफ़ सुथरे नज़र आ रहे थे, बहुत ग्रीनरी नज़र आ रही थी। ये देखें ये हम जा रहे हैं झील की तरफ। जी हम लोग पहुंच गए, ये है चमनज़ार अस्करी झील और ईद का फर्स्ट डे था और यहाँ बहुत ज़्यादा रश था, लगता है कि पूरा मुल्तान ही यहाँ पे घूमने के लिए आया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा रश था। क्योंकि मौसम अच्छा था तो लोग इंजॉय करने के लिए बाहर आ गए। ये मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी कि कितना रश है यहाँ पे। ये देखिए हम लोग पहुँच गए और ये है चमनज़ार अस्करी झील का एंट्रेंस। कार की पार्किंग दूर थी तो थोड़ी सी देर हो गई हमें गाड़ी वगैरह पार्क करने के लिए। ये देखें काफ़ी सारे लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, सब लोग एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग भी अंदर चलते हैं पार्क में। यहाँ पे पहले टिकट्स लेने पड़ते हैं, टिकट्स लेने के बाद हम चलते हैं अंदर और आपको अंदर जाके दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये इंटर होते ही आपको एक यहाँ पे पूल नज़र आ रहा होगा, ये बहुत खूबसूरत सा पूल है, यहाँ पर बच्चे बोटिंग कर रहे हैं। ये देखें ये बोट है और बच्चे यहाँ पे बोटिंग करते हैं और इसकी लोकेशन बड़ी ही ज़बरदस्त लग रही है, पानी का कलर भी बड़ा प्यारा। बारिश हो चुकी थी तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा सा वेदर था, बहुत इंजॉयबल। अब ये हम लोग आ गए हैं जी ये झील पे, ये एक कुदरती झील है और ये 5 फुट डीप है। देखिए आप इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा ये व्यू है, बहुत खूबसूरत लग रहा था और ऊपर से ये लिफ्ट है, यहाँ पे लोग ये लिफ्ट कर रहे हैं। देखिए आप ऊपर से ये केबल्स जा रही हैं और यहाँ पे कोई चेयर वगैरह नहीं लगी हुई है, चेयर केबल नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे केबल पे ही ये लोग लटक के जा रहे हैं। आप देखें मुझे तो इन्हें देख के काफ़ी हंसी आ रही थी और डर भी लग रहा था। तो देखें ये कैसे आराम से मज़े से जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और ये काफ़ी रिस्की भी है। बच्चे कह रहे थे कि हमने भी इन पर बैठना है केबल्स पर, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी ऐसे रिस्की काम नहीं पसंद। शाम हो चुकी थी तो ये काफ़ी अंधेरा फैल चुका था तो मुश्किल से ही आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको ये केबल जरूर उन पर लटके हुए लोग दिखाऊं, आपको नज़र भी आए होंगे। और ये बोट्स हैं, बोट में फिर भी बंदा बैठ जाता है, लेकिन ये जो केबल्स हैं ये मैंने देखी भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम है। केबल कार्स वगैरह देखी हुई हैं, चेयर लिफ्ट देखी हैं, लेकिन ये जो खाली केबल्स पे लोग लटके हुए हैं ना, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम ही देखे हैं। बहुत लोग एंजॉय कर रहे थे अपने अपने तरीके से, जिसको जो पसंद था वैसे एंजॉय कर रहे थे। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। जब शाम हुई तो काफ़ी हवस हो रही थी, गर्मी हो रही थी, जबकि पहले वेदर बहुत अच्छा था। अब ये आ गई है जी ये 3D मोशन राइड, ये अंदर थिएटर है और बच्चों ने कहा है कि हमने यहाँ पे ये देखना है 3D मोशन राइड। बच्चे जा रहे हैं अंदर, चलिए हम भी चलते हैं अंदर, लेकिन मैं थिएटर के अंदर नहीं जाऊँगी, यहाँ पे मैं नहीं गई, बच्चे ही अंदर गए हैं, मैं बाहर बैठ के इनका वेट कर रही हूँ।
काफ़ी अच्छी जगह बनी हुई थी, वेटिंग रूम्स और बैठने के लिए काफ़ी अच्छी जगह, कूलर्स और एसी वगैरह भी लगे हुए थे। ये जी खड़ा है पार्क में एक टैंक, बच्चे ऊपर चढ़ के देख रहे हैं, लोग यहाँ पे ऊपर चढ़ के अपनी पिक्स वगैरह बनवा रहे थे। तो ये आर्मी की काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें थी, हेलीकॉप्टर्स थे, टैंक वगैरह। तो बच्चे इसकी ड्राइविंग सीट देख के हैरान हो रहे थे कि ड्राइवर किस तरह से बिल्कुल बंद होकर ये चलाते हैं। ये आगे है जी गेम स्पॉट, चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे ये सारी गेम्स हैं और ये इलेक्ट्रिक स्विंग्स हैं, ये इस तरह से ये छोटे बच्चों के बैठने के झूले हैं जो कि इलेक्ट्रिक हैं। यहाँ पे कॉइन लेके इन झूले में बैठा जाता है। यहाँ बच्चों ने कुछ देर एंजॉय किया, इसके बाद हम लोग जा रहे हैं जी बाहर की तरफ। बच्चे तो जो भी स्विंग देखें वो कहते हैं कि हमने यहीं पर रहना है और यहाँ पर इंजॉय करना है। बड़ी मुश्किल से इनको मैं यहाँ से ले कर आई बाहर, और बाहर काफ़ी अंधेरा हो चुका था। अब ये एक और गेम पॉइंट है, यहाँ भी सेम ही वैसे इस तरह के झूले लगे हुए हैं जो छोटे बच्चे इंजॉय करते हैं जी। बाहर शाम हो चुकी थी और आप ये वाला झूला ज़रा चेक करें, मुझे तो इसे देख के बहुत चक्कर आ रहे थे, डर लग रहा था। ये देखें जी, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो बिल्कुल उनके सर नीचे हो जाते हैं और उल्टे हो जाते हैं वो लोग। ये देखें, ये काफ़ी ऊंचा है और काफ़ी रिस्की सा, काफ़ी ख़तरनाक सा ये झूला है। और बच्चे कह रहे थे कि हमने इसमें भी बैठना है, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं बैठने दिया। आप देखें, लोग यहाँ पे बैठे थे, चीख रहे थे, लेकिन वो बैठे ज़रूर थे। इसमें क्या अब इंजॉयमेंट है, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रही बिल्कुल। ये बड़ा रिस्की सा है, ख़तरनाक है, और इसमें कुछ भी हो सकता है। अब उनके सर नीचे हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, काफ़ी डेंजरस झूला है ये। आप लोग अगर जाएं तो इस पर कभी भी ना बैठें, मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी। ये देखें जी, आप अच्छे से देख लें, आपको हैरत हो रही होगी या तो फिर आपने पहले देखा हुआ होगा। मैंने ये फर्स्ट टाइम ही देखा है इस पार्क में, क्योंकि हम लोग पार्क वगैरह ज़्यादा नहीं जाते ऐसे पब्लिक प्लेसेस वगैरह पे। देखें जी, लोग बड़ा चीख रहे थे और यहाँ पे बिल्कुल आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी, इतना शोर था कि कोई आवाज़, किसी की तबीयत ख़राब भी हो जाए ना तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती जब तक ये झूला खुद ही ना रुके अपना टाइम पूरा। ये मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। चलें जी, अब चलते हैं हम लोग आगे आगे। ये देखिए, शाम हो चुकी है और झील का मंज़र आपको कैसा नज़र आ रहा है। गर्मी लग रही थी तो हमने यहाँ से ये लिमका पिया है, हम खाना वगैरह तो घर से खा के गए थे, प्यास लग रही थी तो कोल्ड ड्रिंक्स और ये लिमका लिया। ये पार्क का मंज़र देखें, काफ़ी सारे झूले हैं हर तरफ और लाइटिंग। ये एक और गेम स्पॉट है, ये इस तरह के यहाँ तीन गेम स्पॉट हैं। अब एक और है, रात हो चुकी थी लेकिन रश बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था, सब लोग वैसे ही थे, काफी टाइम हो चुका था। और ये है जी ट्रेन, ये काफी बड़ा पार्क है और यहाँ पे हर तरह की तफरी का सामान मौजूद है। जो भी बच्चे जिस तरह के झूले जाते हैं, हर तरह के एंजॉय कर रहे हैं लोग यहाँ, और काफ़ी अच्छा बना हुआ है, काफ़ी चीज़ें न्यू बनी हैं जो पहले नहीं थी। और ये एक अच्छा पार्क है, अगर आप लोग कभी मुल्तान आएँ तो यहाँ पे विज़िट करें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लोग कमेंट में बताया करें आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं, और अगर आप किसी टॉपिक पर मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताया करें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए। ये क्यूट से रैबिट भी थे यहाँ, और कोई एनिमल और बर्ड तो नहीं नज़र आए मुझे, लेकिन यही रैबिट्स नज़र आए। ये देखिए, काफ़ी रात हो चुकी है, काफ़ी टाइम हो चुका है, हम लोगों ने भी कहा है कि हम घर जाते हैं, तो हम लोग घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमें नज़र आ गए ये इनामात ही इनामात लिखा हुआ था। तो बच्चों ने कहा है कि हमने भी ये रिंग डालनी है और यहाँ पर ट्राई करना है कि हमें भी इनाम मिलता है कि नहीं। तो हमें यहाँ से दो इनाम मिले, एक तो ये आर्ची क्रीम रिंग डालने से ये मिला था, और एक मिला था नेल पॉलिश रिमूवर,
ये देखें जी, ये बच्चों ने ये इनाम हासिल किए। यहाँ रात हो गई थी तो बच्चों ने कहा कि हम और जगह घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन वो व्लॉग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।